दिल्ली का कंझावला के सभी शांत भी नहीं हुआ था कि उसके बाद एक के बाद एक ऐसी ही वारदात देखने को मिल रही है। वहीं इस बीच अब यूपी के मथुरा में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कार से एक शव को 11 किलोमीटर तक घसीटा गया और कार चालक को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार के पीछे 11 किलोमीटर तक ये शव घिसटता रहा, जिसके बाद जब मार्ट टोल प्लाजा पर ये कार रुकी, जहां टोल कर्मियों की इस पर नजर पड़ी तो उनके होश फाख्ता हो गए, जिसके बाद उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं मामले की जांच की गई तो पता चला कि जिस कार में शव फंसा था वो आगरा से दिल्ली जा रही थी और दिल्ली के रहने वाले वीरेंद्र सिंह इस कार को चला रहे थे। वीरेंद्र सिंह की माने तो जिस रात को ये हादसा हुआ उस समय एक्सप्रेस वे पर कोहरा था, जिसकी वजह से ये शव पहले से ही हादसे का शिकार हुआ होगा और कोहरे की वजह से इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वहीं जब उनकी कार हाईवे से गुजरी तो ये शव कार में फंस गया और घसीटता चला गया। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रातः लगभग 4 बजे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें एक व्यक्ति जो उसके पीछे लोहे का गार्ड लगा था उसमें फंसा हुआ और घसीटता हुआ वहां मार्ट टोल तक आया, जिसको कि जब टोल के कर्मचारियों ने देखा तो उसको उस गाड़ी से निकाला गया। उस गाड़ी को वीरेंद्र सिंह, जो कि संगम विहार दिल्ली के रहने वाले थे, वो चला रहे थे। गाड़ी में उनका परिवार बैठा था। उनका कहना यह है कि कल एक्सप्रेस वे पे फॉग बहुत ज्यादा था तथा दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसी के बीच में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ जो कि उनकी गाड़ी से फंस गया। इसमें अग्रिम पूछताछ की जा रही है और जो कैमरे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे उनको भी चेक किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अभी तक जांच कर रही है, साथ ही सीसीटीवी की मदद से इस हादसे की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यूं तो ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई मामला सामने आया हो। इससे पहले कभी दिल्ली तो कभी बेंगलुरु ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन यहां सोचने वाली बात ये है कि कार के नीचे जब कोई शव फंसता है तो चालक को कैसे पता नहीं चलता, जबकि किसी भी शव के वजन का भी स्पीड पर फर्क पड़ता है। तो आखिरकार कैसे ये चालक अंधाधुंध कार को सड़कों पर रौंदते हैं, जो ये समझ ही नहीं पाते कि कार के नीचे किसी की जिंदगी है। यूं तो इस मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन आखिरकार ऐसी वारदातें कब थमेंगी? न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिवानी शर्मा।